रेड क्रॉस के माध्यम से सारे देश में अपनी निस्वार्थ सेवाएं देने वाले मेरे सभी रेड क्रॉस के जो समर्पित योद्धा हैं उनको मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूँ। आपका सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और विशेष रूप से मेरे साथ यहाँ पर श्री आर के जैन साहब हैं जो आपके सेक्रेटरी जनरल हैं, वो दिल्ली में यहाँ मेरे स्वास्थ्य मंत्रालय में ही मेरे साथ हैं। उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सारे देश के रेड क्रॉस के हमारे सभी वरिष्ठ साथियों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरे साथ जोड़ा है। मैं जानता हूँ कि आज हमारा देश और सारी दुनिया कोविड-19 के साथ एक जंग लड़ रही है और इस जंग में सारी दुनिया एक साथ सामूहिक प्रयास कर रही है कोविड-19 को हराने के लिए। भारत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने कोविड-19 के खिलाफ जंग को शायद दुनिया में सबसे पहले हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया। हमने एक दिन की भी देरी नहीं की। आप सब जानते हैं कि 31 दिसंबर 2019 को सबसे पहले चाइना ने दुनिया को ये बताया कि उनके देश में कुछ निमोनिया के केसेस आ रहे हैं जो किस कारण से हो रहे हैं उसकी जानकारी उनको नहीं पता लग पा रही है। और फिर उसके 7 ही दिन के बाद 7 जनवरी को उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित किया कि हमारे देश में आने वाले नए निमोनिया के केसेस ये एक कोरोना वायरस के कारण हैं। 7 दिसंबर को ये जानकारी प्राप्त करने के बाद हमने हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में 24 घंटे के भीतर यहाँ पे अपने एक्सपर्ट्स का जो एक टेक्निकल ग्रुप है जो साल भर समय समय पर मिलता है नई बीमारियों के आने के बाद उनसे लड़ने की रणनीति तैयार करता है, नई पॉलिसीज़ को डिस्कस करता है, हमने 8 जनवरी को ही उसकी मीटिंग यहाँ बुलाई थी और इस विषय पर विस्तार से चर्चा की कि अगर ये नया कोरोना वायरस भारत में आता है तो भारत को क्या करना है। शायद तब तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि, और हमने भी नहीं सोचा था कि ये इतने बड़े पैमाने पर भारत में और दुनिया के अंदर आ सकता है। अगले एक सप्ताह के अंदर अंदर हमने अपने भारत के डिटेल्ड रिस्पॉन्स को पूरी तरह से तय कर लिया था और 17 जनवरी को सारे देश को, हमने सारे स्टेट्स को डिटेल्ड हेल्थ एडवाइजरीज दी। देश में कम्युनिटी सर्वेलेंस की प्रक्रिया को शुरू किया। देश के 7 बड़े एयरपोर्ट्स पर चाइना से आने वाले जो सभी पैसेंजर्स थे उनकी स्क्रीनिंग, और बाद में उसमें हमने हांगकांग और दूसरे स्थानों को जोड़ा धीरे धीरे करके, उसको प्रारंभ किया। और उसके बाद से लगातार 3 महीने से कंटिन्यूस प्रक्रिया चल रही है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी अपने कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कैबिनेट सेक्रेटरी और सरकार के सभी विभागों के साथ मिलकर इस सारी कोविड के खिलाफ लड़ाई पर पैनी नज़र रखे हुए हैं।
दूसरी तरफ हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय सारे देश में सभी स्वास्थ्य सचिवों के साथ, स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, फील्ड में काम करने वाले हमारे सभी सर्विलेंस ऑफिसर्स के साथ और हमारी जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सभी संबंधित संस्थाएं हैं उनके साथ संपर्क बनाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने फरवरी के शुरुआत में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी बनाया जो स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में था, उसमें दूसरे मंत्री भी थे, एक्सटर्नल अफेयर्स के, एविएशन के, फार्मास्यूटिकल्स के, होम के साथ जुड़े हुए हमारे स्टेट मिनिस्टर और बहुत वरिष्ठ अधिकारी उसमें थे, जो 12 बार मिला और उसने लगातार इसके बारे में जो रणनीति है उसको समय समय पर रिवाइज़ किया। हमने 7 एयरपोर्ट से काम शुरू किया था, उसको 30 एयरपोर्ट्स तक ले गए, समय समय पर एडवाइजरीज दी तरह तरह की देश के लोगों को और देश के बाहर से जो लोग आ रहे थे उनको, और फिर प्रधानमंत्री जी ने बीच में बहुत सारी और व्यापक योजनाएं बनाई, 11 बड़े एम्पावर्ड ग्रुप्स बनाए। आप जानते हैं कि धीरे धीरे करके हमने देश के 30 एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग शुरू की। दुनिया में किसी भी स्थान से आने वाली हर फ्लाइट पर आने वाले पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग शुरू की और अंत में 19 मार्च के आते आते हमने सारे दुनिया से सब फ्लाइट्स का आना भारत में बंद किया। 15,000 फ्लाइट्स के पैसेंजर्स को स्क्रीन किया और 15.5 लाख लोगों को जो हवाई जहाज से भारत में आए उनको स्क्रीन किया। नेपाल में पहला केस आया तो नेपाल के पास के सारे पांचों भारत के प्रदेशों में बॉर्डर पर स्क्रीनिंग शुरू की जिसमें 20 लाख से ज़्यादा लोगों को स्क्रीन किया। देश के 12 मेजर सी पोर्ट्स और 65 नॉन मेजर सी पोर्ट्स पर 47,000 लोगों को स्क्रीन किया। लगातार कम्युनिटी सर्वेलेंस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इसके माध्यम से लाखों लोगों को हम कम्युनिटी सर्वेलेंस के दायरे में रखे हुए थे। 8 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स को कम्युनिटी सर्वेलेंस में रखा गया, 1,000 लोगों को होम क्वारंटाइन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया। अब से कुछ साल पहले जहां इस वायरस के टेस्टिंग के लिए जो सैंपल है वो अमेरिका जाता था और जनवरी के महीने में हमारे पास एक लैब थी पुणे के अंदर जो इस प्रकार की टेस्टिंग कर सकती थी, इस 3 महीने में आप जानते हैं कि हमने सरकार की 200 लैब्स देश के अंदर स्थापित कर दी और आज तक करीब 4.5 लाख लोगों को हम टेस्ट कर चुके हैं। एक एक दिन में 35,000 से 40,000 लोगों का इस समय टेस्ट हो रहा है। यानी जो कुछ भी संभव हो सकता है वो सब कुछ हमने किया। आप जानते हैं 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी की अपील पर जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद पहले लॉकडाउन की घोषणा हुई, अभी दूसरे लॉकडाउन की घोषणा हुई। सारे देश के अंदर वर्स्ट से वर्स्ट परिस्थिति भी आ जाए तो उसका सामना करने के लिए बड़े पैमाने पर आज भी 600 से ज़्यादा एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, बहुत बड़ी संख्या के अंदर कोविड केयर केंद्र, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन पीपीई किट्स, N95 मास्क, ज़रूरत की सारी दवाइयाँ, इन सब की एक्सट्रीम से एक्सट्रीम परिस्थितियाँ आने पर भी कितनी कितनी आवश्यकता हो सकती है, इन सब का हमने पूरा का पूरा इंतज़ाम किया है। आज मुझे इस बात का संतोष है कि सारी दुनिया से हिंदुस्तान बहुत बेहतर स्थिति में है, इसलिए
कि हमने सारे स्टेप्स को प्रोएक्टिवली लिया, प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजीज को अपनाया, समय रहते जो कदम उठाने थे वो सारे के सारे उठाए, और आपके जैसे अनेकों संस्थाओं के साथ, उनके वॉलंटियर्स के साथ एक्टिव संपर्क किया। आज भी सुबह मैंने सारे देश भर के रोटरी इंटरनेशनल के प्रमुख लीडर्स के साथ, लगभग 1400 लीडर्स के साथ मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। दो दिन पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के देश भर के अंदर 1600 स्थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बहुत बड़ी संख्या में उनके फील्ड में काम करने वाले जो सर्वेलेंस के मेडिकल ऑफिसर्स और दूसरे मॉनिटर्स थे उनके साथ, दो दिन से लगातार मैं दिल्ली की प्रमुख रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस और एनजीओज के साथ इसी प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बहुत सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हैं देश के मुख्यमंत्रियों के साथ, देश के डॉक्टरों के साथ, दूसरे सभी अनेक संस्थाओं के साथ। हमने भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के देश भर के डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य रहा है कि सारे देश को, सारी दुनिया के साथ मिलकर इस लड़ाई को संयुक्त रूप से लड़ना है। भारत के प्रयासों की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और सारी दुनिया ने सराहना की है। सारे दुनिया के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ और दक्षिण पूर्व एशिया के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्लेटफॉर्म पर हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। परसों शाम को G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, और इन सब पूरी तैयारियों का परिणाम ये है कि अभी आपको जैसे रोज़ 4 बजे जानकारी भी दी जाती है, हम बेहतर स्थिति में भी हैं। भले ही थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर केसेस भी आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक लिमिट तक हो रहा है। और जो बीमारी के बढ़ने का जो पैरामीटर्स होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए जाते हैं, उसमें जो डबलिंग रेट होता है, एक बड़ा आंकड़ा होता है, वो डबलिंग रेट हमारा दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है। जो लॉकडाउन से पहले अगर 3 दिन था तो आज वो 7-8 के आसपास जो है वो फिगर हमारी आ गई है। सारे देश में हमको ये भी पता है कि हमारा दुश्मन कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, किस किस मात्रा में है, उसकी क्या तैयारी है। तो सारे देश के डिस्ट्रिक्ट्स को हमने हॉटस्पॉट्स, नॉन हॉटस्पॉट्स, और बाकी फिर वो डिस्ट्रिक्ट जिनमें कोई भी अभी तक बीमारी का दुष्प्रभाव नहीं हुआ है, उसमें डिवाइड किया है। हॉटस्पॉट्स के लिए, नॉन हॉटस्पॉट्स डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग अलग रणनीति है, क्लस्टर कंटेनमेंट की, मैसिव आउटब्रेक कंटेनमेंट की, और उसके अनुरूप हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने इन सब चीज़ों का उल्लेख इसलिए किया कि आप रेड क्रॉस के जो वॉलंटियर्स हो, बहुत गहराई और गंभीरता से फील्ड में काम कर रहे हो। मेरी जानकारी में 40,000 से ज़्यादा हमारे रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स लगातार निस्वार्थ भाव से देश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुझे जानकारी है कि आप फील्ड में सब प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो लोगों के लिए ज़रूरत की, वो खाने के पैकेट्स हों या दूसरी सामग्री हो, वो लोगों तक प्रोएक्टिवली पहुंचा रहे हैं। जो लोग, जिनको कोई रैन बसेरों की, शेल्टर्स की, रहने की जगह की आवश्यकता है, जो कहीं ना कहीं फंस गए हैं देश भर में, ऐसे स्थानों पर आप उनकी मदद कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि मैंने पिछले दिनों भी मीटिंग की थी और रेड क्रॉस के सभी लोगों के साथ बातचीत की थी कि आज जब देश में बहुत सारे हमारे
थैलेसीमिया के मरीज और दूसरी ऐसी बीमारियों के मरीज जिनको लगातार रोग मुक्त रक्त की सेफ ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, लगातार उनको डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए पर्याप्त मात्रा में रक्त ब्लड बैंक्स में उपलब्ध होना चाहिए, वहाँ रेड क्रॉस ने आगे आकर इस परिस्थिति में भी इसको मुहिम की तरह लेने का प्रयास शुरू किया है। हमने भी रेड क्रॉस से अनुरोध किया था और रेड क्रॉस ने एक आगे बढ़कर कहा कि किसी को भी कहीं रक्त नहीं मिलेगा तो हम रेड क्रॉस में उपलब्ध कराएंगे। दिल्ली में मुझे पता है कि 38,000 स्वैच्छिक रक्तदाताओं के साथ एक्टिवली रेड क्रॉस संपर्क कर रहा है, जो आज की परिस्थिति में लॉकडाउन में रक्तदान नहीं कर सकते, सड़क पर नहीं आ सकते, उनको उनकी स्वीकृति और इच्छा व्यक्त करने पर घर में व्हीकल भेजकर और ब्लड बैंक में बुलाकर उनका रक्तदान करा रहा है। अपनी एम्बुलेंस और अपनी वैन्स को भेजकर लोकलाइज्ड इलाकों में छोटे छोटे कैंप्स लगा रहा है और वहाँ पर फील्ड में मोबाइल वैन्स के अंदर रक्तदान हो रहा है। और अभी जिस प्रकार से COVID-19 के इलाज के लिए कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा, यानी जो मरीज़ ठीक हुए हैं कोविड की बीमारी को प्राप्त करने के बाद, उनका अगर ब्लड डोनेशन कराया जाए और उसमें से प्लाज्मा को अलग किया जाए, तो ऐसा दुनिया के अंदर अध्ययन हुआ है। हमारे यहाँ पर भी ICMR ने और हमारे ड्रग कंट्रोलर ने इसके लिए स्वीकृति दी है, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स बनाकर कि ऐसे कोविड से प्रभावित जो हो चुके हैं वो मरीज़ अगर अपना ब्लड डोनेशन करके और प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो उनका प्लाज्मा जो है कोविड के गंभीर मरीज़ों में अगर इस्तेमाल होता है तो उसमें उनके ठीक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस काम पर भी ट्रायल हो रहा है और इसके अंदर भी मुझे बताया कि रेड क्रॉस ने विशेष रूप से गुजरात में एक मरीज़ का इस प्रकार के डोनेशन कराया और एक दर्जन से ज़्यादा इस तरह के मरीज़ों को मोटिवेट किया है, प्रभावित किया है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि आप समय की नज़ाकत के हिसाब से जो जो ज़रूरी नए एक्शंस लेने हैं वो सब भी आप लोग कर रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर वैसे तो बहुत सारी बातें आपसे की जा सकती हैं, लेकिन अपने आप को मैं इसी संक्षिप्त कमेंट्स के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं, आपको अपनी ज़िम्मेदारी का पूरा आभास है। देश को आज जहां एक तरफ डॉक्टर्स, नर्सेज, हमारे पैरामेडिक्स इस तरह के कोविड वॉरियर्स जो फ्रंट से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके साथ साथ आपके जैसे वॉलंटियर्स भी कोविड वॉरियर्स के सहयोग में फ्रंट से लड़ाई लड़ते हुए इस काम को और ज़्यादा मुस्तैदी से करें, मुझे पूरा विश्वास है कि जब देश पूरी योग्यता, गंभीरता और संवेदनशीलता के भाव से इस जंग में अपने आप को जुटाएगा, अपना कंट्रीब्यूशन इसमें आहुति के रूप में देगा, तो निश्चित रूप से जब चारों तरफ से लोग इस काम में लग जाएंगे तो खाली डॉक्टरों के इलाज करने से ही नहीं, खाली सर्वेलेंस ऑफिसर्स के फील्ड में हाउस टू हाउस सर्वे से ही नहीं, अपितु जितनी और बाकी चीज़ों की समाज को आवश्यकता है उन सब चीज़ों की मदद से हम कोविड के ऊपर जो जंग है उसमें विजय प्राप्त करेंगे। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं
और मैं चाहता हूं कि आर के जैन साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कुछ अभी जो भी उनकी गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे, फिर आप में से कुछ थोड़े से लोगों से भी हम उनके क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को थोड़े समय के बाद समाप्त करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारे 40,000 रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स की मदद से हमको समाज की बहुत सारी तकलीफ को दूर करने में सहायता मिलेगी। आज मैंने देश भर के इंडियन रेड क्रॉस के 40,000 वॉलंटियर्स की जो लीडरशिप है उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की है। वो देश भर में बहुत सारे सेवा के कार्य कर रहे हैं, उसके लिए उनका अभिनंदन किया है, उनकी सराहना की है। सारे देश भर में किस किस प्रकार के काम रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स के माध्यम से हो रहे हैं उनकी जानकारी प्राप्त की है और उनसे विशेष रूप से समाज में जहां वो तरह तरह का सामान बांट रहे हैं, फूड पैकेट्स से लेकर दवाइयों तक और दवाइयों से लेकर मास्क और दूसरे किट्स इत्यादि तक, उनके साथ साथ मैंने उन्हें कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है इसको और लॉकडाउन के प्रिंसिपल्स को गहराई और गंभीरता से वो फॉलो कराने में लोगों को एजुकेट करें। और विशेष रूप से इस कोविड के क्राइसिस में देश में कहीं पर भी जो ब्लड की शॉर्टेज ना हो, इसके लिए स्वैच्छिक रक्तदाता वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करने वाले जो देश के जो हमारे महान डोनर्स हैं उनको चाहे घर से लेकर ब्लड बैंक तक रेड क्रॉस के लाना है या रेड क्रॉस के लोगों के द्वारा अपनी वैन और अपनी एम्बुलेंस लेकर उनके घर के पास जाकर, चाहे छोटा कैंप एक प्रकार का जिसे कह सकते हैं मिनी कैंप की एक मोहल्ले में जाकर 10 लोग अगर हैं तो उनको उनके घर से बुलाया, उन्होंने एम्बुलेंस के अंदर जो है वैन के अंदर डोनेशन किया और उसके बाद वो अपने घर में चले गए, इस प्रक्रिया को स्ट्रेंथन करना है। और इसके साथ साथ जो रेड क्रॉस ने अभी जिस प्रकार से ICMR ने और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने जो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा है जिसके बारे में सारे दुनिया में कुछ कुछ इस प्रकार की रिपोर्ट्स आई हैं कि कोविड के गंभीर मरीजों के अंदर वो उनके प्राण की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसके लिए हमने रेड क्रॉस के अपने वॉलंटियर्स को कहा है कि वो जो कोविड से प्रभावित लोग हैं और जो ठीक होकर घर आ गए हैं उनको काउंसलिंग भी करें और उनको मोटिवेट भी करें ताकि वो अपना ब्लड डोनेट करें और उनके प्लाज्मा का इस्तेमाल कोविड के गंभीर हमारे मरीज़ों के लिए किया जा सके। इसके संदर्भ में मैंने उनसे विशेष रूप से आग्रह किया है, साथ में उनकी जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनके लिए उनको मैंने सराहना करते हुए और कोविड के सच्चे वॉरियर्स की तरह जो है समाज में वो काम करते रहें इसके लिए सारी जानकारी देश भर से ली है और अपनी बात उन तक पहुंचाई है।